चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पे सेट करें ताकि और भी फर्दर वीडियोस हमारे मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस KNE। आज हम लोग देखने वाले हैं 3-डिजिट नंबर का स्कोर कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग 3-डिजिट नंबर का वीडियो बना चुके हैं, तो एक बच्चे को प्रॉब्लम हुआ था, ये 4 क्वेश्चन को कमेंट किया है, तो इसलिए हम लोग आज इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ले लेते हैं 530 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोले थे, जो 1, 2, 3 डेज लेना है, उसके बाद इन दोनों को अलग करना है, इसको अलग करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। तो हम लोग क्या बोले थे, जो यहाँ पे एटलीस्ट या हाईएस्ट 2 ही डिजिट रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते। तो यहाँ क्या करेंगे, 900 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0, 0 को लिख लेंगे, 9 को यहाँ लिख लेंगे ऊपर। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप में 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 30 × 2 कितना हो जाएगा, 35, 150, 300। तो क्या करना है, हमको यहाँ पे 2 ही डिजिट लेना है, तो 0, 0 रख लिए, जो 3 बचा उसको यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको उतार देना, 0, 0, 0 + 9, 9, 0, 5 + 3, 8, 2। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, या फिर ऐसे करके भी लिख सकते, 9, 0, 0 आंसर हो गया हम लोग का। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल तो ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, 5, 3, 5 का स्क्वायर। तो तीनों स्टेप हम लोग का कितना होगा, 1, 2, 3। इसके सबसे पहले क्या करना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। तो 35 का स्क्वायर हम लोग का कितना होता है, 35 का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 1225। 1225 में हम लोग को क्या है, 2 ही डिजिट लेना है यहाँ पे, तो 25 को यहाँ लिख लिया, उसके बाद 12 को यहाँ ऊपर लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है, हम लोग को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2। तो 35 गुना कितना होता है, 70, 70 × 5 = 350। इसको अलग करना है, 350 में हम क्या करेंगे, 2 ही डिजिट लेने पाएंगे यहाँ पे, क्या करना है, 50 को लिख लेंगे, जो 3 बचा है उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 5, 2, 2 + 0, 2, 5 + 1, 6, 5 + 3, 8, 2 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 2, 8, 6, 2, 2, 5 आंसर हो गया हम लोग का। चलिए थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप, 55 का स्कोर कितना हो जाएगा, 55 का स्कोर हो जाएगा आपका 30, 25। क्या करना है, 2 डिजिट को रखना है यहाँ पे, 30 कहाँ, किस 30 को, जो बचा 30 होगा उसको ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद 5 का स्कोर निकालना, कितना होगा, 25। उसके बाद तीनों का मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाता है, 55 × 110, 110 × 5, 550। क्या करेंगे, 50 को यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद 5 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 5, 2, 0, 5 + 3, 8, 5 + 5 कितना होगा, 10, 10 का 0 बचा 1, 2, 1, 3। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 30, 0, 8, 0, 2, 5 आंसर। तो फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, क्या करना है, 1, 2, 3 तीन स्टेप लेना है। तीन स्टेप लेने के बाद क्या करना है, 75 का स्क्वायर फाइंड करना है। 75 का स्क्वायर कितना हो जाता है हम लोग का, 5, 6, 2, 5। ऐसे 75 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इतना इजी तरीका से इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं।
तो 5625, तो यहाँ क्या करेंगे, दो डिजिट को ले लेंगे, उसके बाद 5625 को ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना, सेकेंड स्टेप 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 75 × 2, तो इतना क्या होता है 150, 150 × 5 कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 750। ठीक है, तो 750 में हम लोग क्या करेंगे, दो ही डिजिट लेने पाएंगे यहाँ पे, इसको लिख लेंगे, 7 को ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 5 × 0 + 6 = 6, 5 + 5 = 10, बचा 1, 7 + 5 = 12, 12 × 1 = 13, 3 और बचा 1, 2 × 3, तो हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो ये चारों प्रॉब्लम एक बच्चा ने कमेंट किया था तो हम लोग सॉल्व किए। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपके मैथ या कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव क्लासेस, कीप वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।